अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन प्याजे। आज की इस वीडियो में हम मुख्तलिफ टर्म्स देखेंगे जो इस पूरी थ्योरी में यूज़ होंगी, जिनकी मदद से हम इस थ्योरी को अच्छे से समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन, लतीफ़ रहमानी मेरा नाम है। क्वालिफिकेशन मेरी MSc अप्लाइड साइकोलॉजी और MPhil साइकोलॉजी कंटिन्यू है। प्रोफेशन है मेरा टीचिंग, स्पीकिंग एंड ट्रेनिंग। पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ टर्म्स थी जो के नहीं शामिल की गई थी, वो इस वजह से कि ये जिस बुक से लेक्चर तैयार किया गया है उस बुक में वो टर्म्स नहीं थी। तो मुख्तलिफ बुक्स में थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करके दी गई हैं, तो अब मैंने दोबारा से ये वीडियो रिकॉर्ड की है ताकि वो टर्म्स भी इनमें शामिल कर दी जाएँ। तो वो टर्म्स भी मैंने इनमें शामिल कर दी हैं जो दूसरी बुक्स में दी गई थी। तो सबसे पहले हम जीन प्याजे को देखते हैं। जीन प्याजे कौन है, जीन प्याजे का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्विस बायोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर थे और साइकोलॉजिस्ट थे। एम्प्लॉयड एट बिने इंस्टीट्यूट इन 1920 फॉर मेकिंग इंटेलिजेंस टेस्ट एंड फाइंड देयर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स गिविंग डिफरेंट आंसर्स फॉर द सेम क्वेश्चन, देन ही स्टार्टेड वर्क ऑन इट। 1920 में वो बिने इंस्टीट्यूट में एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहे थे। वहाँ पर इन्होंने काम कर रहे थे, आप जानते होंगे बिने को, जो साइमन बिने है, इंटेलिजेंस पे बहुत काम किया, उन्होंने उनके साथ काम कर रहे थे। तो वहाँ पर इन्होंने ऑब्ज़र्व किया, देखा कि जब एक क्वेश्चन पूछा गया तो अडल्ट जो थे और जो बच्चे थे उन्होंने डिफरेंट आंसर किया, एक आंसर नहीं दिया बल्कि डिफरेंट दिया। तो वहाँ पर इनको लगा कि यहाँ पर एक गैप है, यहाँ पर काम होना चाहिए। तो वहाँ पर ये आइडिया लेके उन्होंने इस पर काम स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर है नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर के तौर पर भी इनको जाना जाता है। इंटरेस्टेड इन एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी में इंटरेस्टेड थे, यानी कि जो नॉलेज होता है उसका ओरिजिन और नेचर को जानना जो होता है एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है, कि वो नॉलेज कहाँ से आया और उसकी नेचर क्या है। ही इज़ द फर्स्ट हु मेड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डिवेलपमेंट, कॉग्निटिव डिवेलपमेंट की सिस्टमेटिक स्टडी जिन्होंने की थी वो पहले शख्स हैं ये। कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है कि अपने माइंड में चीज़ों की कैटेगरी बना लेना और उनको मीनिंग दे लेना, कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाता है। उसके बाद इफ़ेक्टिव इन एजुकेशन, इनकी जो ये जो थ्योरी थी ये एजुकेशन में बहुत ही इफ़ेक्टिव है, एजुकेशन में बहुत इसकी मदद से काम किया जा सकता है, यानी कि आपने सिलेबस वगैरह बनाना है और बच्चों की साइकी को समझना है तो ये थ्योरी आपकी बहुत हेल्प करेगी। उसके बाद कुछ की टर्म्स हैं जिनके बारे में हमने पहले भी बात की, जो टर्म्स जिनको समझ के हम इस थ्योरी को अच्छे से समझ सकते हैं, इन स्टेजेस को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन है सबसे पहले, ये इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन की ये टर्म्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस इन टू मेंटल सिस्टम एंड कैटेगरीज, अपने इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस को माइंड के अंदर सिस्टम्स और कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। उसके बाद अडेप्टेशन, एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट कर जाना अडेप्टेशन कहलाता है। क्योंकि हम ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ क्या होगा डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कामयाबी से दाखिल हो जाना, एंटर कर जाना, वो अडेप्टेशन कहलाएगा। उसके बाद हैं कुछ कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, उनकी कुछ टर्म्स हैं, वो हैं सबसे पहले स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, मेंटल स्ट्रक्चर और कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस, ये एक स्ट्रक्चर होती है या कैटेगरी होती है किसी भी इंफॉर्मेशन की या एक्सपीरियंस की जो हम अपनी लाइफ में करते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हमने ए फॉर एप्पल पढ़ा था, सबसे पहले बचपन में हमने ए फॉर एप्पल के बारे में जाना, तो उस वक्त एप्पल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, एप्पल का नाम, एप्पल की टाइप और एप्पल के बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन थी वो एक स्कीमे के तौर पर, एक स्ट्रक्चर के तौर पर, एक कैटेगरी के तौर पर हमारे माइंड में सेव हो चुकी थी, मेमोरी में सेव हो चुकी थी। ये एप्पल से रिलेटेड हमारा स्कीमा है। इसी तरह से कोई भी हम इन्फॉर्मेशन अपनी मेमोरी में सेव करते हैं तो वो स्कीमा होता है, स्ट्रक्चर बना के या कैटेगरी बना के। उसके बाद है असिमिलेशन, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमाज, वो जो किसी चीज़ के बारे में हमारे हमारे माइंड में, हमारी मेमोरी के अंदर जो स्कीमा बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको इस्तेमाल करते हुए नई इन्फॉर्मेशन को अपने स्कीमा के अंदर फिट कर लेना, वो असिमिलेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको बताया जाए कि जो कैट होती है उसकी चार टांगे होती हैं और वो छोटी सी होती है और म्याऊं म्याऊं करती है, अब क्या होगा कि अब आपको जब कैट नज़र आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैट है, बिल्ली है। अब वहाँ यहाँ पर क्या होगा कि मैंने तो आपको वाइट कलर की कैट दिखाई थी लेकिन आपने तो ब्लैक कलर की देख ली है। अब वहाँ पर क्या होगा कि आपके सामने जब ब्लैक कलर की आई है तो आप कन्फ्यूज़ हो गए थोड़े से कि ये मुझे तो वाइट कलर की दिखाई गई थी, ये तो ब्लैक कलर की है। तो आपको बताया जाएगा
कि इनके कलर्स डिफरेंट भी होते हैं। अब ये पहले से आपके पास एक स्कीमा बना हुआ था, उसको इस्तेमाल करते हुए आपने एक और इन्फॉर्मेशन को अपने उसके अंदर फिट कर लिया मेमोरी के अंदर, तो ये असिमिलेशन हो गया। अब आ गया है अकोमोडेशन, ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग स्कीमाज और क्रिएटिंग न्यू वंस इन रिस्पॉन्स टू न्यू इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपके स्कीमा से वो रिलेट नहीं करती है, आपके स्कीमा के बिल्कुल उलट चली जाती है, तो वहाँ पर आप एक नया नई कैटेगरी बना लेते हो, उसको अकोमोडेशन बोला जाता है, यानी कि उसको अपनी मेमोरी के अंदर जगह दे देते हो, तो वो एक अकोमोडेशन कहलाएगी, वो वाली जो टर्म होगी हमारी, उसको अकोमोडेशन बोलेंगे। कि अगर आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ आ गई जो आपके स्कीमा के साथ मैच नहीं कर रही, वो नई कोई कैटेगरी है, यानी कि आपको बिल्ली दिखाई गई थी, अब आपके सामने शेर आ गया, आपके सामने अब घोड़ा आ गया है, हॉर्स आ गया है, तो उसको उसकी आप एक लैदा से कैटेगरी बना के रख दोगे, इसको अकोमोडेशन बोला जाएगा। और इसी तरह से आप इसको अल्टर भी कर रहे हो अपने जो असिमिलेशन है, पहले से जो स्कीमा बना हुआ है। उसके बाद इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होगा, मेंटल बैलेंस बिटवीन कॉग्निटिव स्कीमाज एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। आपके जो स्कीमाज बने हुए हैं और उसी के हिसाब से अगर आप इन्वायरमेंट से इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, आप इंटरेक्ट कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आपको फिर वो इक्विलिब्रियम की हालत होगी आपकी कॉग्निशन की। लेकिन अगर आपके जो स्कीमाज बने हुए हैं और जो इन्वायरमेंट से आप इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है या इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आप अगर वो आपके स्कीमा से रिलेटेड नहीं है, उसके मुताबिक नहीं है, तो आप कॉग्निटिव आपकी कॉग्निशन जो डिस्टर्ब होगी, उसको डिसइक्विलिब्रियम बोला जाता है। यहीं पर फिर अकोमोडेशन का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे जो स्टेजेस हैं उनकी, जो डिफरेंट उनके अंदर जो डिफरेंट टर्म्स यूज हुई हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले जो स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज, अब देखेंगे कि सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर का क्या मतलब होता है। सेंसरी मोटर का मतलब होगा इन्वॉल्विंग द सेंसेस एंड मोटर एक्टिविटी, जिसमें वो स्टेज जिसमें आपकी सेंसेस यानी कि देखना सुनना चखना वगैरह, और मोटर एक्टिविटी जिसमें आप मूव करते हो, हरकत करते हो, कोई भी मूवमेंट आप करते हो, तो वो आपकी मोटर एक्टिविटी कहलाएगी, ये वो वाली स्टेज होगी। उसके बाद है रिफ्लेक्सेस, एक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड विदाउट कॉन्शियस थॉट एज अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। वो एक्शंस जो हम कॉन्शियस थॉट के बगैर कर रहे होते हैं, यानी कि अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं चीज़ें, या एक्शंस या एक्टिविटीज़, वो रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं। अब चूंकि हम यहाँ बच्चे की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो बच्चा क्या करेगा इस स्टेज के अंदर, सकिंग करेगा, लुकिंग करेगा, लिसनिंग और ग्रास्पिंग करेगा। इसके अगर उसके मुंह में कोई चीज़ दी जाएगी तो वो फ़ौरन से सक करना शुरू कर दे, देखता तो वो है, सुनता भी है। इसके अलावा अगर उसके हाथ में कोई चीज़ आ जाएगी तो वो फ़ौरन उसको पकड़ लेगा, इसको रिफ्लेक्सेस बोलेंगे। वैसे हमारे जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, हमें पता है कि आंखों का झपकना हमारा रिफ्लेक्स है, उसके बाद हमारे दिल की धड़कन जो है वो रिफ्लेक्स है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो खुद ब खुद ही चलती जा रही है। उसके बाद इमिटेटिव बिहेवियर, इमिटेटिव बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर ऑफ कॉपिंग अदर्स, दूसरों को कॉपी करना इमिटेटिव बिहेवियर होता है। इस स्टेज के अंदर बच्चा दूसरों को कॉपी भी करता है। ये वाली जो टर्म्स होगी इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, जब हम स्टेजेस को पढ़ेंगे ना डिटेल के साथ। उसके बाद है गोल डायरेक्टेड एक्शंस, यहाँ पर वो उसके जो जो भी एक्शंस होंगे सेंसरी मोटर के अंदर, मैंने आपको बताया मोटर एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, तो कोई भी वो काम करेगा तो वो कोई गोल तय करके करेगा, यानी कि उसके सामने अगर आप टॉय रख देंगे तो वो अपना गोल बना लेगा, उस टॉय को जाके छूना, उस टॉय को जाके पकड़ना, उससे खेलना उसका गोल होगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस, जब तक ये स्टेज ख़त्म होती है ना, जब ये बच्चा इस स्टेज के स्टार्ट में होता है, तो उसको पता नहीं होता, अगर उसकी आंखों के सामने कोई चीज़ पड़ी है, थोड़ी देर बाद उसकी आंखों के सामने से हटा लें, तो वो फिर ये समझेगा कि वो ये चीज़ दुनिया में है ही नहीं इस स्टेज के स्टार्ट में, यानी कि वो समझ लेगा कि अगर मेरी आंखों के सामने नहीं है तो इस दुनिया में ही नहीं है। तो इस स्टेज के एंड होते होने तक वो ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वो इस चीज़ को समझना स्टार्ट कर देता है, कि अगर मेरे सामने चीज़ नहीं भी है तो भी वो मौजूद है, यानी कि अगर उसकी मम्मा उसके सामने नहीं भी है तो उसको पता है मौजूद है, कहीं और पे है, कहीं और है। उसके बाद है लैंग्वेज डेवलपमेंट, द प्रोसेस बाई विच चिल्ड्रन कम टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट लैंग्वेज। इस स्टेज के अंदर उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाती है। अब आ जाते हैं दूसरी स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है, द स्टेज बिफोर अ चाइल्ड मास्टर लॉजिकल मेंटल ऑपरेशंस। बच्चे की लॉजिक डेवलप होने से पहले जो स्टेज होती है उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है, यानी कि वो मेंटली तौर पर उसकी जो वो लॉजिकली काम नहीं कर सकता मेंटली तौर पर। उसके बाद आता है सेमियोटिक फंक्शंस, द एबिलिटी टू यूज सिम्बल्स लैंग्वेज पिक्चर्स साइंस और जेस्टर्स टू रिप्रेजेंट एक्शंस आर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स मेंटली।
यहाँ पर वो क्या करता है, सिंबल्स यूज़ करता है, लैंग्वेज यूज़ करता है, पिक्चर साइन और जेस्चर वगैरह यूज़ कर रहा होता है अपनी एक्टिविटीज़ को शो करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर उसने किसी को घोड़े पर बैठे हुए देखा था, तो अगर वो किसी के ऊपर अपने पापा की पीठ के ऊपर या भाई की पीठ के ऊपर बैठ जाएगा, तो वो भी शो करेगा इस तरह से एक्शन करके, एक्टिविटी करके, कि वो भी घोड़े पर सवार है। यानी कि इस तरह से वो चीज़ों को एक्शन करके या लैंग्वेज के थ्रू या साइंस और सिंबल्स के थ्रू शो कर रहा होता है। उसके बाद है रिवर्सिबल थिंकिंग, थिंकिंग बैकवर्ड फ्रॉम एंड टू द बिगनिंग, यानी कि उलट, यहाँ पर रिवर्सिबल थिंकिंग उसकी नहीं होती, वो उलट नहीं सोच सकता। यानी कि अगर उसको, उसके सामने 1 2 3 4 5 पढ़ा जाएगा, तो अगर उसको बोला जाए कि इसको 5 4 3 2 1 पढ़ो, तो वो नहीं पढ़ सकेगा, यानी कि वो रिवर्सिबल नहीं आ सकता। आगे है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। द प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम डिस्पाइट चेंजेस इन अपेयरेंस। वो कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी ऑब्जेक्ट की सेम रहती हैं, अगर उसकी जो अपेयरेंस चेंज भी हो जाए तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी करेक्टरिस्टिक्स सेम रहती हैं। अब बच्चे को इस स्टेज के अंदर कंजर्वेशन नहीं आती, वो नहीं समझ सकता चीज़ों को। मिसाल के तौर पर अगर उसके सामने दो बर्तनों में पानी रखा जाए, एक ही जितने क्वालिटी का है कि मकदार का पानी डाला जाए दो बर्तनों के अंदर, लेकिन एक गिलास समझ लेते हैं, दो गिलासों के अंदर पानी डाला जाता है, एक गिलास है चौड़ा और एक गिलास है पतला लेकिन वो लंबा है, दूसरा गिलास चौड़ा है और एक गिलास लंबा है और पतला है। अब एक ही मकदार का पानी जब दोनों में डाला जाएगा, तो एक तो जो चौड़ा गिलास है उसके अंदर फैल जाएगा, जो दूसरा गिलास होगा जो लंबा होगा और पतला होगा, उसमें जो पानी का लेवल है वो ऊपर तक चला जाएगा। अब वो समझेगा कि जो पतला गिलास है जिसमें पानी का लेवल ज़्यादा है वो बड़ा होगा, यानी कि वो उसमें पानी ज़्यादा है, हालांकि पानी की मकदार तो एक जैसी है, वो बस साइज़ का फ़र्क है, अदरवाइज पानी तो एक जैसा, लेकिन ये फ़र्क वो समझ नहीं पाता। अगर इस चीज़ को समझना शुरू कर दे तो वो कंजर्वेशन होती है। आगे है जी एनिमिज्म। एनिमिज्म इज व्हेन एन इंडिविजुअल गिव्स अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट ह्यूमन लाइक क्वालिटीज, यानी कि जब वो ऐसी किसी चीज़ को जो कि बेजान है उसको जानदार चीज़ की क्वालिटीज़ देना शुरू कर दे, इसको एनिमिज्म कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर एन इंडिविजुअल यूजली बिलीव्स दैट दिस ऑब्जेक्ट हैज़ ह्यूमन इमोशंस, थॉट्स एंड इंटेंशंस। वो समझता है कि इसके भी इसी तरह से इमोशंस हैं, थॉट्स हैं और इंटेंशंस हैं। मिसाल के तौर पर अगर उसके सामने एक डॉल रखी जाएगी, तो वो डॉल के साथ इस तरह से खेलेगी जैसे वो जिंदा है। वो डॉल को सजाते हैं, उसको मेकअप भी करेगी, उसके बाल भी बनाएगी, उसके कपड़े भी बच्चा उसका एक बनाता है, तो वो डॉल के साथ इस तरह से खेलती है। बच्ची अगर छोटी होती है तो इस तरह खेलेगी कि जिस तरह से उसमें इंसानों की तरह इमोशंस हैं। इसी तरह से अगर बच्चे को कोई चोट लग जाए, तो अगर उसके सामने कोई वो इसी तरह से कोई बेजान चीज़ पड़ी, अगर वो फर्श पे गिरा है, तो अगर फर्श पे गिरने के बाद वो रोना स्टार्ट कर देता है, तो अगर उसकी मम्मा को पता चलता है कि वो गिरा है, अगर उसकी मम्मा आके फर्श के ऊपर ज़ोर ज़ोर से पाँव मारेगी, तो वो बच्चा चुप हो जाएगा। वो ये समझेगा कि फर्श को सज़ा मिल गई है, यानी कि वो ये समझता है कि फर्श को भी चोट लगती है। इसको एनिमिज्म बोलेंगे। सेंट्रेशन, फोकस ऑन द वन एस्पेक्ट ऑफ द थिंग्स एट अ टाइम। चीज़ों के एक ही एस्पेक्ट पर फोकस करना सेंट्रेशन कहलाता है। जैसे मैंने वो पानी और गिलास वाली एग्जांपल दी थी, अब वो सिर्फ लेवल को देख रहा है, गिलास की लंबाई और चौड़ाई को नहीं देख रहा, तो यानी कि वो एक ही एस्पेक्ट पर फोकस कर रहा है, इसको सेंट्रेशन बोलेंगे। डिसेंट्रिंग, एक से ज़्यादा एस्पेक्ट पर फोकस करना। जब अगले स्टेज में हम देखेंगे, जो कंक्रीट स्टेज आएगी उसमें वो समझ जाता है कि डिसेंट्रेशन क्या होता है, यानी कि एक से ज़्यादा एस्पेक्ट भी चीज़ों के होते हैं। ईगोसेंट्रिज्म, अज्यूमिंग दैट अदर्स एक्सपीरियंस द वर्ल्ड द वे यू डू। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि वो बच्चा समझता है कि जिस तरह से मैं सोचता हूँ इसी तरह से दूसरे भी सोचते हैं, यानी कि जिस तरह से मैं एक्सपीरियंस करता हूँ इसी तरह से दूसरे भी करते हैं। यानी कि अगर उसको डांट खाने से रोना आता है, तो वो समझेगा कि सबको ही डांट खाने से रोना आता है, चाहे कोई बड़ा है चाहे छोटा है। इसी तरह से अब आगे हैं कंक्रीट ऑपरेशंस। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज ये है, थर्ड स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशंस क्या होता है? मेंटल टास्क टाई टू कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस। यहाँ पर क्या होता है कि उसकी लॉजिक डेवलप हो जाती है, लेकिन फिजिकल चीज़ों के साथ। मेंटली अभी भी वो लॉजिकली काम नहीं कर सकेगा, फिजिकल चीज़ों के साथ वो लॉजिक के साथ काम कर सकता है, जो सामने उसकी प्रैक्टिकली होंगी ना उनको समझ सकता है और उनके साथ वो वर्क कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। यानी कि क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स इन टू कैटेगरीज, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू कलर साइज एंड टाइप।
अगर उसके सामने मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हैं तो वो उसकी कैटेगरीज बना सकता है, ग्रुपिंग उनकी कर सकता है, कैसे, कलर्स के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से और टाइप के हिसाब से। इसी तरह रिवर्सिबिलिटी, यहाँ पर वो पिछले जो स्टेज थी हमने पढ़ी थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, वहाँ पर वो रिवर्सिबल नहीं जा सकता, यहाँ रिवर्सिबिलिटी उसमें आ जाती है। द एबिलिटी टू थिंक थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स देन मेंटली रिवर्स द स्टेप्स एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ वो चीज़ों को रिवर्स कर सकता है, यानी कि 1 2 3 4 5 पढ़ेंगे तो यहाँ 5 4 3 2 1 भी वो पढ़ लेगा। सीरिएशन, अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इन सिक्वेंशियल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू वन एस्पेक्ट सच एज साइज वेट और वॉल्यूम, चीज़ों को तरतीब के साथ रखना उसको सीरिएशन बोलेंगे। ट्रांजिटिविटी, द एबिलिटी टू रिकग्नाइज लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट्स, लॉजिकल जो रिलेशनशिप है चीज़ों के अंदर वो तलाश कर लेना, वो उसको समझ जाना, उसको बोलेंगे ट्रांजिटिविटी। मिसाल के तौर पर अगर उसको बोला जाएगा ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो फिर इस तरह कह सकते हैं कि ए बड़ा होगा सी से, यानी कि अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से तो इसका मतलब है कि जो ए होगा वो सी से बड़ा है, यानी कि इस तरह के वो कनेक्शन बना सकता है। एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, इस स्टेज के अंदर आके, इस स्टेज के अंदर आके उसकी जो ईगोसेंट्रिज्म है वो ख़त्म हो जाती है, वो समझ जाता है कि सिर्फ मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है बल्कि दूसरे लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जिस तरह मैं समझता हूँ लाजमी नहीं कि दूसरे भी उसी तरह से समझें। अब आ जाती है फोर्थ स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशंस। फॉर्मल ऑपरेशंस क्या होता है, मेंटल टास्क इन्वॉल्विंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पर वो मेंटली वर्क कर सकता है, जो मेंटली लॉजिक है वो लगा सकता है, चीज़ों को समझ सकता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है, जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, कम्प्लेक्स जो प्रोसेस होते हैं यहाँ पर आके वो कर सकता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है, थिंकिंग इन्वॉल्व्स अ मेंटल प्रोसेस, जिसमें आपका माइंड प्रोसेस कर रहा होता है चीज़ों को, यानी कि उसका फिजिकली चीज़ों के साथ काम ना हो, फिजिकली लॉजिक उसकी ना हो, बल्कि मेंटली आपको मेहनत करना पड़े। अगर दो चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं, दो चीज़ों को देख के आप कोई तीसरा रिजल्ट निकाल लें, उसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स बाई मेकिंग कनेक्शंस, यानी कि चीज़ों को समझ लेना कनेक्शन बना के, अगर आपके पास कुछ नॉलेज है उस नॉलेज को जोड़ के, समझ के, कनेक्शन बना के कोई रिजल्ट निकाल लेना, उसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मिसाल के तौर पर अगर वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होगी, अगर उसको पता चलता है कि आज हवा का रुख इस तरफ है और हवा किस शिद्दत के साथ चल रही है, तो अब उसको पता चल जाएगा कि वो सिमत देखेगा, शिद्दत देखेगा और उसकी कंडीशन देख के वो बता देगा कि थोड़ी एक दिन बाद, 2 दिन बाद 3 दिन बाद किस इलाके में क्या होगा, यानी कि इस तरह से वो रिजल्ट निकालना स्टार्ट कर देता है। इंडक्टिव रीजनिंग, ड्राइंग अ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम अ सेट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाता है यहाँ पर वो, यानी कि स्पेसिफिक से वो जनरल रिजल्ट निकाल लेता है, और अगर उसके सामने कोई एक चीज़ मौजूद है तो उससे वो उसको जनरलाइज कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको बोला जाए, अगर बच्चे को बोला जाए कि आपने एक ना एक दिन मर जाना है क्योंकि आप इंसान हो, अच्छा अब वो क्या बोलेगा कि मैंने मर जाना है क्योंकि मैं इंसान हूँ, इसका मतलब है कि सब ने मर जाना है। अब इस चीज़ को उसने सब पे अप्लाई कर दिया है, स्पेसिफिक से उसने जनरल रिजल्ट निकाल लिया है। इसी तरह से डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, स्ट्रेटजी इन विच एन इंडिविजुअल बिगिंस बाई आइडेंटिफाइंग ऑल द फैक्टर्स दैट माइट इफेक्ट अ प्रॉब्लम एंड देन डिड्यूस एंड सिस्टमेटिकली एवेल्यूएट स्पेसिफिक सोल्यूशन। इसके अगर सिंपल से ड्राइंग अ स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम द जनरल ऑब्जर्वेशन, ऊपर वाली जो डेफिनेशन इंडक्टिव रीजनिंग उसी को हम यहाँ पर अगर पुट कर दें तो वो भी ठीक है। अब ये वाला जो सिस्टम है, अगर जहाँ पर सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा वहाँ पर वो सिस्टम सिस्टम को देखेगा पूरा, डिफरेंट फैक्टर्स को देख के एक रिजल्ट निकाल लेगा, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक। अब ऊपर वाली मैंने जो एग्जांपल दी थी कि अगर उसको पता चलेगा कि यार एक ना एक दिन तूने मर जाना क्योंकि तू इंसान है, तो अब इससे वो रिजल्ट निकालेगा कि अब इसका मतलब है कि सब इंसानों ने एक ना एक दिन मर जाना है, यानी कि मेरी फैमिली वाले भी नहीं रहेंगे, मेरे आसपास वाले भी नहीं रहेंगे, सभी मतलब कि डेथ हो जाएगी सबकी। तो उसने स्पेसिफिक से जनरल रिजल्ट निकाली, यहाँ जनरल से वो स्पेसिफिक कैसे जाएगा, अगर उसको बोला जाए कि यार सब इंसानों ने एक ना एक दिन यहाँ से मतलब चले जाना है, मर जाना है, ख़त्म हो जाना है, तो वो इससे क्या रिजल्ट निकालेगा, इसका मतलब मैंने भी मर जाना है क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, यानी कि वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आ गया।
अब है जी एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, इस स्टेज के अंदर असम्पशन असम्पशन दैट एवरीवन एल्स शेयर्स वंस थॉट फीलिंग एंड कंसर्न्स। यहाँ पर उसकी जो वो ईगोसेंट्रिज्म वाली जो प्रॉब्लम थी यहाँ पर आकर वो थोड़ी सी डिवेलप हो जाती है, थोड़ा सा हाई लेवल पे वो सोचना शुरू कर देता है कि सिर्फ मेरी ही थॉट्स नहीं है, मेरी ही फीलिंग्स नहीं है, दूसरे के भी फीलिंग्स, थॉट और व्यूज़ होते हैं, नज़रियात होते हैं। यहाँ पर ईगोसेंट्रिज्म वो थोड़ा सा हाई लेवल पे जाके समझना शुरू कर देता है। उसके बाद है इमेजिनरी ऑडियंस। ये दोनों जो टर्म्स हैं ये एक बुक मैंने पढ़ी थी एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसके अंदर ये टर्म्स दी गई थी इसलिए मैंने लिख दी हैं। हो सकता है बहुत सारी बुक्स के अंदर आपको ना मिले, तो आप जिस बुक के हिसाब से करें उस हिसाब से ही कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक के अंदर थी इसलिए मैंने इनको शामिल कर दिया। यहाँ पर उसकी जो ईगोसेंट्रिज्म वाली जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी हाई लेवल पर आके सोचना शुरू कर देता कि अगर मैं सोचता हूँ, मतलब मेरी थॉट्स फीलिंग्स हैं, तो दूसरों के भी फीलिंग्स और थॉट्स होती हैं। उसके बाद है फीलिंग इमेजिनरी ऑडियंस, फीलिंग दैट एवरीवन इज नोटिसिंग। यहाँ पर आके वो ये भी उसको ये समझना शुरू कर देता है, वो ये फील करना शुरू कर देता है कि लोग मुझे नोटिस करते हैं, यानी कि अगर मैं ड्रेस पहनूंगा तो लोग मुझे नोटिस करेंगे, अगर मैंने कोई फटी हुई चीज़ पहन ली, फटी हुई शर्ट पहन ली, तो लोग देखेंगे मुझे और नोटिस करेंगे और मेरे बारे में क्या सोचेंगे वो। इस तरह की इसको फीलिंग आती है, जब वो कोई ड्रेसिंग करने लगेगा तो उसको इस तरह की फीलिंग आएगी। इसी तरह से अगर क्लास के अंदर उसकी कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो इसको इस तरह सोचना शुरू कर देता है कि यार बाकी सब दोस्त मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मेरे क्लास फेलो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, तो इस तरह की वो फीलिंग उसको आनी स्टार्ट हो जाती है। तो जी हमने मुख्तलिफ टर्म्स को पढ़ लिया है, अब मैंने कुछ इन तमाम स्टेजेस को मिला के कुछ एब्रीविएशंस बनाई हैं ताकि इन स्टेजेस को याद करना आसान हो जाए और हमारे जहन में बैठी रहे, क्योंकि अब जब हम डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की तो ये आपस में गुड़मुड़ हो जाती हैं, तो इनको फिर अगर इस तरह से हमने एब्रीविएशंस बनाई होंगी तो ये आसान हो जाएंगी। तो सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें वो तमाम टर्म्स जो आती हैं उसकी एक मिला के मैंने ये एब्रीवेशन बनाई है। ये स्टेजेस थोड़ी सी आगे पीछे, मतलब ये टर्म्स आगे पीछे करके मुझे बनानी पड़ी हैं, तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। ये पहले मैंने लिखा है सर, उसके बाद लोग, तो इसको हम पढ़ सकते हैं सर लोग, यानी कि वो तो सर लोग हैं यार, वो हमारी बात कहाँ सुनेंगे, तो इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। एस से सेंसरी मोटर, आई से इमिटेटिव बिहेवियर, आर से रिफ्लेक्सेस, एल से लैंग्वेज डेवलपमेंट, ओ से ऑब्जेक्ट परमानेंस और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इसी तरह अगले की प्री ऑपरेशनल स्टेज की मैंने बनाई है प्रेस, सी सी ए, ये प्रेस लैदा पढ़ेंगे, सी सी ए लैदा पढ़ेंगे, ये वो तमाम टर्म्स हैं जो इस स्टेज के अंदर आएंगी। उसके बाद है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसको पढ़ेंगे सर्कस, टी ई, सर्कस टी ई पढ़ेंगे इसको, ये तमाम टर्म्स जो इसके अंदर आएंगी, सर्कस टी ई। यहाँ पर आई थिंक थोड़ी सी गड़बड़ है। हाँ जी, पीछे हमने पढ़ा है, ये आप लोगों ने यहाँ याद रखना है कि ये जो टी से ट्रांजिटिविटी है और ई से ईगोसेंट्रिज्म है, ये आपने इसको जहन में रखना है, पीछे जाके आप देख सकते हैं, यहाँ मुझसे गलती हो गई, यहाँ मैंने लिखा नहीं है। उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, फ़ायदा, इसको मैंने फ़ायदा बना दिया है, FAIDA, फ़ायदा। तो ये भी टर्म्स हमने सारी पीछे पढ़ ली हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं लिख नहीं सका, तो ये बल्कि आगे हम जब स्टेजेस को लेता लेता पढ़ेंगे तो वहाँ हम डिटेल से इनको डिस्कस कर लेंगे विद एग्जांपल्स। तो अगली वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, उम्मीद है कि अब ये तमाम टर्म्स पढ़ने के बाद आपको ये तमाम स्टेजेस पढ़ना और समझना और उसके बाद माइंड में रखना, जहन में रखना आसान हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो अगर तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर वीडियो बने तो वो भी लाजमी लिखिएगा। थैंक यू सो मच।